भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बिल्कुल तुम्हें मानना चाहिए ऐसा, और तुम मानते हो, इसीलिए तुम सबसे अलग हो, भीमराव अंबेडकर हो। और तुम नहीं मानोगे तो कौन मानेगा? मैं मानूंगा, आज मानूंगा, हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि रिश्ते में प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, मगर रिश्ते में अगर एक पक्ष अपना सब अच्छा भला छोड़कर समर्पित हो रहा हो तो दूसरे पक्ष को उसके प्रेम को और संजो कर रखना चाहिए, जैसे मेरे लिए मेरी पत्नी रमा है। भीम, हर किसी की पत्नी एक जैसी होती है क्या? नहीं, मतलब रमा काम कर रही है तुम्हारे लिए, और मेरी पत्नी भी कह रही है कि मैं जाकर काम ढूंढूंगी मेरे लिए। मेरी पत्नी गई तो नहीं है काम ढूंढने, लेकिन कहा है उसने कि मैं कमजोर ना पड़ू, जरूरत पड़े तो वो काम करेगी। सच में सब पत्नी एक जैसी होती है। सच कहूं तो एक औरत बाकी लोगों के लिए चाहे जितनी ईमानदार बेईमान हो, मगर अपने पति और अपने संतान के प्रति हमेशा ईमानदार होती है। और ऐसी पत्नियां मिलने पर हम मर्दों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उनके समर्पण को सूद के साथ लौटाएं। और अभी इस वक्त उनके समर्पण को सूद के साथ लौटाने का एकमात्र तरीका यही होगा कि हम जल्द से जल्द नया अखबार खोलें। हाँ तो बताइए सर, अखबार खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा ऑफिस जाकर। तो फिर चलिए। मैनेजर साहिब, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर साहिब, आप मुझे माफ कर दीजिए। गिन कर 50 बार माफी मांग। ये सही ही हुआ, भीमराव की बीवी होने की बहुत अकड़ थी। आज समझ आ गया होगा कि कैसे कभी ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाता है। करुणा दीदी, हमारा रिश्ता इंसानी है, आप क्यों उसे जानवरों की तरह बना रही है? ज्ञान देने के बजाय ना, जाकर चाय लेकर आ मेरे लिए, और जल्दी लेकर आना, चल जा। दीदी ये गलत है। दीदी आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए। मैनेजर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए भाव, खाना खा लीजिए। शोभा, आज मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। पता नहीं कारखाने में रमा के साथ क्या हुआ होगा। हाँ, चिंता तो मुझे भी है भाव, और जिस तरह की करुणा है, वैसे में तो वो बहुत समस्या देगी।
किस तरह की है करुणा? बताइए। किस तरह की है करुणा? पाला, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब बुरा लगा होगा, उसके लिए माफ करना, मगर लोग तो वैसी ही बातें करते हैं जैसी धारणा बनी हो, और धारणा करना कि ऐसी ही है तो कोई क्या करे क्या कहे। तो मत बनाइए ना धारणा। कम से कम उस घर के लोगों की शिकायतें तो बंद कीजिए जिस घर में आपको पनाह मिली है। पाला, पूरे घर का नाम मत लो। इस घर में सिर्फ भीमरमा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिद पर पूरन को यहां रहने दिया, इसलिए अपने बीवी के बचाव में पूरे घर का नाम मत लो। वहां मीरा अस्पताल में है और यहां तुमने पंचायत लगाई है। तो हम अस्पताल जाएंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी, और क्यों ना ले पूरे घर का नाम? पूरे घर के एहसान से ही यहां रह पाएंगे। अगर मैं, बाला, करुणा, हम जहर की शीशी ले लेते और कह देते अगर इस पूरन का हमारे घर से वास्ता रहेगा तो हम जहर खाएंगे और मर जाएंगे, तो रह पाते यहाँ? बेकार की बातें मत करो। और हाँ बाला, कम से कम तुम तो अपनी आई और बीवी की तरह मत बनो, बेवजह बात का बतंगड़ बनाने वाले। तो किसकी तरह बनूं? आपकी तरह, लक्ष्मी की तरह, या इस शोभा काकी की तरह जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भीम का गुणगान करते रहे? जाइए बाबा, अपना काम कीजिए। बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कारखाने में तुम्हारे बीवी ने मेरे बहू के साथ कुछ गलत किया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं, समझा दे अपने बीवी को। आप भी यही बात अपनी बहुओं को समझा देना, रमा और लक्ष्मी को। बाला, तुम तो ऐसे नहीं थे और ना ही तुमसे ऐसी उम्मीद थी। तो क्या चाहती है आप, कि मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊं? बात बेबात अपनी बीवी को मारने वाला, दारू पीकर आने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला? बाला, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? मुझे तुमसे दुश्मनी थोड़ी है। तो मैं जैसा हूँ वैसा रहने दीजिए ना। तो वैसे एक और बात भी तो है, पहले जब मैं बीवी के खिलाफ था तब भी गलत था, और आज उसके साथ हूँ तब भी गलत ही हूँ। हाँ, क्योंकि बचपन से ही तुम्हारी आदत ऐसी रही है गलत के साथ खड़े होने की। देखिए, तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा व्यक्ति किसके साथ है, लेकिन तुम हमेशा गलत की तरफ ही पाए जाते हो। हाँ तो हूं गलत, और हमेशा गलत ही रहूंगा। पर आप जब पहले से जानते हो, मानते हो कि मैं गलत हूं, तो क्यों यूं रोककर मुझे सवाल कर रहे हो? बचपन से बस मैं साक्षात्कार ही देता आया हूं, लेकिन नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब कोई साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार से ही तो समझ आएगा सर कि हम योग्य हैं या नहीं, और ऐसी ऐसी धारणाएं बनाकर क्या मिलेगा आपको? इंप्रेसिव हो, पाठों से असर डालना जानते हो, लेकिन अखबार चलाने का लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं सर, लेकिन मेरे पास अखबार चलाने का अनुभव रखने वाले सर हैं। मैंने खुद अखबार के ऑफिस में काम किया है, और ये शिशुपाल जी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हो जाएगा सर। मुश्किल है, मैं लाइसेंस देने के लिए फाइल आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ।
एक बार विश्वास करके देखिए सर, प्लीज सर। करती है, एक काम ढंग से नहीं कर पाती है, फिर से कर और अच्छे से कर। करुणा दीदी, जानबूझकर तंग करना बंद कीजिए। हाँ कर रही हूँ, जो करना है कर ले। करुणा, ये क्या तरीका है? कल तो तुम बहुत अच्छी बन रही थी और आज ऐसी हो गई हो। मतलब कल दिखाने के लिए किया था? हाँ साहब, करुणा दीदी जान मुझकर मुझे और रमा को परेशान करने में लगी है। आप ही कुछ समझाइए। ये लक्ष्मी और रमा ने तो मुझे फंसा दिया। बताओ करुणा। निकाल दीजिए साहब, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं मानती हूँ अपनी गलती। लेकिन साहब, उससे पहले ये सुन लीजिए, मेरी अपनी देवरानियां होंगी ना, तब भी मैं बख्श नहीं दूंगी। साहब, ये दोनों मुझे घर में दबा कर रखती है और यहाँ भी परेशान कर रही है। लेकिन साहब, काम के सामने किसी की बकवास नहीं, किसी की कोई चाल नहीं। इसीलिए साहब, मैंने इससे ऐसे कहा। अब आप देख लीजिए कि आपको मुझे नौकरी पर रखना है या निकालना है। फैसला आपका साहब। साहब ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसे कुछ नहीं किया है। हाँ साहब, दीदी झूठ कह रही है। बकवास बातें नहीं, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए कि इतनी अच्छी जेठानी मिली है और तुम दोनों ऐसे कर रही हो।
कर्म को लेकर करना तुम जो सोचती हो वो अद्भुत है। ऐसे ही काम करो। उठा। उठाओ ये सबर, देख लो यहां से औकात देख कर आए करो ऑफिस। आगे सही याद रखना। औकात देखकर नहीं आए हैं सर हम आपके ऑफिस, ना ही आगे आएंगे। पर मुझे लगता है कि औकात देखकर किसी को आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है ना सर, औकात पे नजर रखने वालों के सपने बेमौत मर जाते हैं, और सपनों पर नजर रखने वालों की औकात खुद ब खुद बढ़ जाती है। जाकर कहीं और बड़ा औकात, दोबारा यहां दिखना मत। चलो भी कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। अब चाहिए अपना काम करने, और मैंने जो अंदर सुलझाया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना मुझे, और मेरा जो अपमान होगा मैं वो बर्दाश्त कर लूंगी। मैं ये सोचकर अपमान बर्दाश्त कर लूंगी कि ये वो कीमत है जो पति के उलझनों को सुलझाने की कीमत है। सर, तुम्हें समझ में नहीं आता है? जाओ नहीं तो पुलिस को बुलाकर धक्के मार के निकालूंगा। निकलो। ठीक है, बुला लीजिए पुलिस। अब हम पुलिस के सामने फैसला करते हैं कि ये ऐसे जो ऑफिस होते हैं वो लोगों की औकात मापने की मशीन है या लोगों की मदद के लिए बनाए जाते हैं। क्यों, पुलिस को बुलाने वाले थे ना? बुलाइए ना पुलिस को। पुलिस के सामने मैं आपसे लिखित में लूंगा कि कानून के हिसाब से अखबार का लाइसेंस पाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? सर बुलाइए ना पुलिस को। देखिए, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो अभी मैं पुलिस चौकी जाकर उन्हें लेकर आऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं यहां से। ले जाओ इस भीमराव को। सर, ये भीमराव अंबेडकर है, और आज तक हमारी बिरादरी के लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसे हटा नहीं पाए, सारी सामाजिक ताकत नहीं हटा पाई। और ये मेरे यहाँ काम करता था, मालिक होने की पूरी ताकत इसे हटा नहीं पाई, तो आप क्या हटा देंगे? जो मांग रहा है ना वो दे दीजिए, वरना ये यही रह जाएगा तब तक जब तक समस्या का हल ना हो। और सर, आप औकात पर सवाल उठा रहे थे ना,
कुछ ऐसे ही सवाल मैं बचपन में मेरी आई से किया करता था। तो एक बार मेरी आई ने जवाब दिया था कि अगर सत्य का हाथ पकड़कर चलोगे तो हमेशा सबसे ज्यादा औकात वाले तुम ही होगे। सर सुना है इसका नाम, ये बहुत धरना वरना देता है। सर मामला खत्म करिए, जाने दीजिए। सर मैं लेके देता हूँ। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम साहेब मेरे।